तो हेलो मेरे रेसलिंग के दीवानों, कैसे आप लोग। लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और अंदर की खबर। और भाई ये खबर जुड़ी है अपने लोगन पॉल से। तो भाई लोगन पॉल को बहुत सारे बंदे जानते हैं, और कुछ उनको उनके जो चैनल है यूट्यूब चैनल उनसे जानते होंगे, कुछ उनको मूवी से जानते होंगे, कुछ उनको WWE से जानते होंगे। रिसेंटली उन्होंने 2-3 मैचेस लड़े हैं, रसलमेनिया में भी उन्होंने फाइट लड़ी थी। तो बहुत सारे उन्होंने मैचेस लड़े हैं WWE के अंदर। तो भाई फाइनली उन्होंने WWE के साथ साइन इन कर लिया है उनका। अब ऑफिशियली वो WWE के अंदर एंटर हो चुके हैं। रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है। अभी आप ये जो फोटो मैं शेयर कर रहा हूँ वो देख सकते हो। स्टेफनी मिकमैन और ट्रिपल एच के साथ उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे ये पिक्चर पोस्ट करी है, और WWE ने भी उस पोस्ट को शेयर किया है। तो आप देख सकते हो। तो सीन एक्चुअल में ये है फ्रेंड्स कि WWE ने भाई ऑफिशियली लोगन पॉल को ले लिया है मैचेस में। वो फाइट करेंगे। वैसे तो वो अपना पार्ट टाइम वो बॉक्सर भी हैं भाई, वो बॉक्सिंग भी करते हैं, वो मूवीज़ भी करते हैं, वो अपना चैनल भी चलाते हैं, और वो वेब सीरीज़ भी करते हैं। तो कई सारे प्लेटफॉर्म पे वो काम कर रहे हैं। तो फाइनली वो ऑफिशियली वो WWE के अंदर भी आ गए हैं। अब उन्होंने साइन इन किया है कुछ मैचेस। वो मिज के साथ टैग टीम पार्टनर बनेंगे। आपने देखा होगा कि रेसलमेनिया में उन्होंने कैसे लोगन पॉल और मिज ने रे मिस्टीरियो को हराया था। तो फाइनली अब ये सिचुएशन ये है कि वो हुआ क्यों है फ्रेंड्स, कि जैसे अब आप अगर लोगन पॉल का यूट्यूब चैनल जाके देखोगे तो भाई ऑलमोस्ट 24 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके, अकेले बंदे के 24 मिलियन सब्सक्राइबर। और WWE के सब्सक्राइबर अगर देखोगे आप 60-65 मिलियन के आसपास है। तो भाई वो अकेला बंदा 24 मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूब पे लेके घूम रहा है, और WWE जो इतना बड़ी कंपनी है US के अंदर, मेरे हिसाब से रेसलिंग बिजनेस में सबसे बड़ी कंपनी WWE है, तो उसके ओनली 60 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। तो भाई इसीलिए लोगन पॉल को लाया है ताकि WWE का लोगन पॉल के साथ कोलैबोरेशन हो सके और वो आगे जाके बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सके। तो यही मेन रीज़न है, और इसी वजह से ये कोलैबोरेशन हुआ है। तो फ्रेंड्स ये लेटेस्ट अपडेट थी, आप लोगों के साथ शेयर करी है। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगेगी, तो शेयर जरूर कर देना आगे भाई। बाकी फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, आई लव यू।